हेलो फूडीज, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साबूदाना वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, 1/4 कप मूंगफली दाना, जो मैंने यहाँ कच्ची मूंगफली को ये इस्तेमाल किया है, 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, लगभग 1 चम्मच कटा हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 हरी मिर्च, नमक 1 बड़ा चम्मच, आधा बड़ा चम्मच अनारदाना, आधा बड़ा चम्मच चाट मसाला। हमने साबूदाने को धो के अच्छे से रात भर सोख कर लिया है, लगभग 5 से 6 घंटे, और देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। दबाने पे बिल्कुल अच्छे से दब रहा है, दैट मीन्स हमारा ये रेडी है। अब हमने इसको एक स्ट्रेनर से, छन्नी से इसका पानी छान लिया है। अब एक पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें मूंगफली को अच्छे से फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी व्रत के लिए बना रहे हैं, फास्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑयल के बजाय घी का इस्तेमाल कीजिए। हम देखिए इसको फ्राई कर रहे हैं स्लो फ्लेम में। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और मैं इसको रफली क्रश करूँगी। क्रश करना है ताकि जब ये पीनट्स इसमें साबुदाने वड़े में मुँह में आए तो वो एक क्रंची लुक दें। अब देखिए ये हमारे छने हुई साबुदाने को हमने एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ले लिया है। इसमें नमक डाल दिया 1 चम्मच, चाट मसाला और अनारदाना डाल दिया है। अब हमने जो आलू लिए थे उबले आलू, इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। इन्हें हाथ से मैश मत कीजिए, इन्हें हमें ग्रेट करना है ताकि ये बैटर में स्मूथली अच्छे से मर्ज हो जाएं, मिक्स हो जाएं। देखिए अब हमने ये ग्रेटेड आलू अपने साबुदाना वाले मिक्सर में डाल दिया है। धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्च जो हमने काटी थी वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर आप पीनट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मूंगफली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपका ये बैटर है, आपने ये मिक्सचर के साथ इसको बनाना है। देखिए हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह रेडी हो गया है बनाने के लिए। अब अगर आप पीनट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पीनट डाल रहे हैं, तो मतलब आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, पीनट के साथ भी और पीनट के बिना भी। देखिए हमने रोस्टेड पीनट जो क्रश किए थे ये डाल के अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, पूरी तरह अच्छे से मिल जाएगा। सॉफ्ट टेक्सचर के बीच में जब पीनट का क्रंची मुंह में क्रंच आएगा तो ये बहुत ही स्वाद देगा। अब देखिए एक कटोरे में हम थोड़ा सा घी या तेल ले लेंगे। ये घी या तेल को हाथों में मलेंगे अच्छे से ताकि हमारी वड़े अच्छे से बने। अब एक अच्छे अमाउंट का मसाला लेके हाथ में, देखिए किनारे से दबाते हुए हमें वड़ों को शेप देना है, टिक्की जैसा शेप देना है। किनारे से अच्छे से दबाइए, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो हमारा वड़ा तेल में जाने के बाद फट जाएगा। देखिए किनारे से दबाते हुए यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और इसी तरीके से हमें सारे वड़े बनाने हैं। इस सारे मिक्सचर से मेरे लगभग 10 वड़े तैयार हुए, जो कि एक अच्छी साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप तेल को ले लीजिए। अगेन अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ आप घी का इस्तेमाल कीजिए, और नमक मैंने डाला है, आप जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। अब इन्हें स्लो आंच पे हमें फ्राई करना है, लगभग 2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल भी मत हिलाइए करछी से, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए स्लो फ्लेम में, क्योंकि अगर इस दौरान आप इसे चलाएंगे तो टूट जाते हैं। तो ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, और देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा पकने लगा है, सुनहरा होने लगा है। अब हम इन्हें आहिस्ता से टर्न करेंगे। अब दूसरी तरफ को भी ऐसे ही लगभग 2 मिनट तक पकने दीजिए, और फिर पलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें तलना है। अब इन्हें हम करछी की सहायता से तेल छानते हुए बाहर निकालेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत हमारे साबुदाना वड़ा बन के आए हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बहुत ही क्रंची हैं। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और देखिए कितने क्रंची हैं। और अगर आपने अभी तक टेक होम टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।